नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विभाग। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरें। भोपाल, चौथे चरण के चुनाव में कुल 71.72% हुआ मतदान, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े किए जारी, जिसमें 2019 की तुलना में 4% गिरा वोटर टर्नआउट। 2019 में इन सीटों पर 75% हुआ था मतदान। शहरी इलाकों से ज़्यादा पिछड़े इलाकों में इस बार वोटर्स ने खुलकर किया मतदान। खरगोन में सबसे ज़्यादा 75.79% हुआ मतदान, तो वहीं इंदौर में सबसे कम 60.53% वोटर्स टर्नआउट। इंदौर, खर्च के मामले में इंदौर में हुआ सबसे सस्ता चुनाव। इंदौर का 2024 का चुनाव रहा सबसे सस्ता, 24 लाख के साथ शंकर लालवानी टॉप पर। 2019 में लालवानी ने खर्चे थे करीब 60 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर 2.5 लाख के खर्च के साथ बीएसपी प्रत्याशी संजय सोलंकी रहे। जबलपुर, हाईकोर्ट बार के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। अधिवक्ता डीके जैन बने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता संजय वर्मा को हराकर डीके जैन ने 353 वोटों से की जीत दर्ज। डीके जैन को मिले 772 वोट और संजय वर्मा को मिले 419 वोट। भोपाल, देर रात टीटी नगर क्षेत्र में बरपा कहर। बदमाशों ने की जमकर वाहनों में तोड़फोड़। 8 से 10 बदमाशों ने मचाया उड़दंग। करीब एक दर्जन वाहनों को बनाया निशाना। टीटी नगर पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। उज्जैन, धोखाधड़ी के मामले में साध्वी मंदाकिनी गिरफ्तार। चिमनगंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। साध्वी पर शहर के अलग अलग थाने में दर्ज है धोखाधड़ी के 2 मामले। जबलपुर, गर्मी के मौसम में जिला अस्पताल के बुरे हाल। आईसीयू वार्ड में लगे एसी हुए खराब, जिसके कारण मरीजों के परिजनों ने घर से लाकर वार्ड में लगाए पंखे। सिविल सर्जन ने की वार्ड के एसी खराब होने की पुष्टि। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा का बयान, आचार संहिता लागू होने से नहीं खरीदे जा सकते नए एसी। खराब एसी सुधरवाने और दूसरे वार्ड्स के एसी लगवाने का चल रहा है काम। सिविल सर्जन ने आज शाम या कल सुबह तक स्थिति सुधारने का किया दावा। भोपाल, चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर भगवान चित्रगुप्त के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भगवान चित्रगुप्त के दर्शन पूजन कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री विश्वास सारंग भी रहे मौजूद। भोपाल के प्राचीन श्री मनकामनेश्वर महादेव नेवरी मंदिर में भी दर्शन करेंगे सीएम। रोजाना देखें 7 बजे मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरें। साथ ही खबरों पर कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।